मौजूद हूँ झारखंड के राजधानी रांची में, और जहाँ इस वक्त अजय भारत चैनल की टीम मौजूद है, ये रेडिसन ब्लू होटल है। हमारे साथ वो शख्स मौजूद है जिनके बारे में कहा जाता है कि इनका आवाज ही अंजाम होता है। आरजेडी के वरिष्ठ दिग्गज और कद्दावर नेता सवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। बताएंगे तेजस्वी जी हम आए हुए हैं संगठन को भाड़ा देने के लिए, खुद बताएंगे आरजेडी के बड़े और दिग्गज नेता शिवराज सिंह यादव जी। सर, किस तरीके से ये जो कार्यक्रम है और आगे की रूपरेखा कैसे तय हो? किसी भी पार्टी का जड़ मूल जो है संगठन होता है। संगठन का मतलब है बिखरे हुए साथियों को एकत्रित करना, और संगठन के माध्यम से एक दूसरे का विचार का आदान प्रदान होता है, और संगठन प्रबल शक्ति होती है। जब शक्ति आपको मिलेगा तो आप अपने मुकाम तक जरूर पहुंचेंगे। राष्ट्रीय जनता दल संगठन को मजबूत करना करेगी, और उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को कि हर महीने के तीसरे सप्ताह झारखंड में उनका प्रवास रहेगा, और जहाँ कार्यक्रम होगा तेजस्वी चलाए आपके द्वार कार्यक्रम होगा, संगठन को मजबूत किया जाएगा। और उसके बाद आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी से हमारे माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी झारखंड जनगणना के लिए गए थे, तो वहाँ के मीडिया के लोग ने पूछा कि आप बिहार से शुरुआत किए, उन्होंने कहा कि नहीं, राष्ट्र के पूरे स्टेट का खास करके झारखंड प्रदेश में आप कुल्हान की तरफ चले जाइए, जो बहुत से जनजाति और आदिवासी लोग विलुप्त होते जा रहे हैं। जो जातीय जनगणना होगा तो वास्तविक विवेचना होगा, और राष्ट्रीय जनता दल का अंतिम मैदान पर बैठे हुए लोगों को सामाजिक न्याय दिलाना है, और वही लोग जातीय जनगणना के विरोध कर रहे हैं जो वर्षों से मनाई जा रही है। और उनको पता है कि जातीय जनगणना होगा, दलित महादलित अकलियत पिछड़ा अति पिछड़ा को मलाई खाने के लिए मिलेगा। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल पूरे प्रदेश में हमारे नेता बताए हैं कि पुराना बिहार, यानी पुराना बिहार ही भारत का विकास है, यानी बंगाल, उड़ीसा और झारखंड और बिहार चारों स्टेट जो है बिहार से अलग हुआ है, तो चारों स्टेट का विकास से ही भारत का विकास। बिल्कुल, एक बहुत अहम सवाल भी लेंगे सुभाष जी से, बड़े दिग्गज और कद्दावर नेता हैं आरजेडी के। सर, आपका हम लगातार ले रहे हैं, पटना भी मुलाकात हुई आपसे, कल भी हमने आपके निरीक्षण देखा, झारखंड में पार्टी वही पोजीशन हासिल करेगी जो पार्टी यहाँ पे पिछली बार जो प्रदर्शन रहा था, इससे पहले जो आपने कहा भी था कि पार्टी का प्रदर्शन जो उसके आसपास पहुंचे, किस तरीके से सर।